जो गहने आपने नहीं देखे उसको पाने की आपको लालसा नहीं होती। अब लोग कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड का एक्सपोजर होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड के एक्सपोजर ने हमारे मन और विचारों को बाजार बना दिया। अब तो जो देखोगे वही आपको चाहिए। आपके पास योग्यता हो ना हो, आपके पास सामर्थ्य हो चाहे ना हो, वो आपको चाहिए। और अगर पिता नहीं दे पाते हैं तो पुत्र पंखे पे लटक जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी मन चाही मोटरसाइकिल चाहिए, उन्हें ब्रांडेड जूते ही चाहिए। पिता भले ही घिसे हुए जूते पहन रहे हो पर उनकी डिमांड वही है, और अगर वो डिमांड पूरी नहीं होगी तो वो आत्महत्या करेंगे। कैसे आया विचार? क्योंकि देखा, इसीलिए आया। अजामिल इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ब्राह्मण थे, पर एक श्रेष्ठी और एक वैश्या को देख लिया, बस उनका उनका मन उस वैश्या के रूप सौंदर्य में बंध गया। कुछ भी देखते रह जाओगे क्या? हमेशा कुछ भी देखना चाहिए क्या? आंखों का दुरुपयोग करोगे क्या? फिर वो सती साध्वी स्त्री को घर से निकालकर उस वैश्या को घर में बसाया। इतना रंजन, इतनी दीवानगी। और जब कोई शिखर से नीचे गिरता है ना बंधु भगनी, वो खाई में ही जाता है, बीच में कोई रास्ता होता नहीं। और शिखरों पे पहुंचना आसान होता है पर शिखरों पे टिकना आसान।